ये भी लेके जाना है मस्जिद में, नंबरदार दोनों थाल, वो वाला भी और ये वाला भी। चलो मैं साथ में चावल और पानी भी लेके लेकर आता हूँ, ये गिराने नहीं है। पहुँच जाओगे? हाँ जी। ओके हो गया जी, माशाल्लाह भी दुआ अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, फिर फाट होंगे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंस रहे, मुस्कुराते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। इधर कट चुके हैं, चावल भी आ चुके हैं और चीनी भी आ चुकी है मीठा पानी बनाने के लिए, और घी भी आ चुका है नाइस वाला, और वो रहा हमारा चिकन। प्लेट भरी रखी है, ये थाल है, सॉरी प्लेट नहीं है, थाली है बड़ी वाली। अच्छा तो ये जो है ना, ये कोई सो नहीं रहा, ये मैंने पाकिस्तानी जुगाड़ से जो है इनको ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखना शाम को बिना फ्रिज में रखे ठंडे हो जाएंगे। हमने पंखा चला दिया है क्योंकि इतने सारे फ्रिज में आते नहीं हैं, तो इसलिए हमने इनको देसी तरीके से जुगाड़ लगा के इनको ठंडा करेंगे, और इसके ऊपर पंखा जो चल रहा है अब इसको ठंडी हवा जो लगेगी ना, फिर ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, ऐसा महसूस होगा जैसे फ्रिज से अभी अभी निकाले हैं। को ठंडी हवा लगती रहे हमारे पंखे की, तो देखना शाम को ये जब काटेंगे तो आप सोचेंगे कि ये बर्फ़ से निकाले गए हैं, मतलब फ्रिज से निकाले हैं। ये देसी जुगाड़ है और वाला इसके ऊपर डाला है ताकि ये अभी हाथ लगा लें, देखें कितना ठंडा हो चुका है कपड़ा, कितना ठंडा है, ऐसे नज़र आ रहा है जैसे आप फ्रिज में हाथ लगा रही हैं कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी ठंडा हो गया है, ऐसे फ्रिज में हाथ लगा रहे हैं। हाँ जी, बना रही हैं चिकन अपना बिरयानी। हाँ जी बना रही हूँ, अभी चलते हैं भाई ओ बाजी के घर, वहाँ से ना वो पतीला उठाना है बड़ा। सही है, तो इस्लामुद्दीन आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, हैदर अली को नीचे नहीं आने देना, वो चिकन भी रखा है उसका भी ख्याल रखना है। हम यूँ गए और यूँ आए जल्दी जल्दी, ठीक है चलें वो ले आए, तो क्योंकि ये हमारा जो है बर्तन जिसमें हमने बिरयानी बनानी है वो है छोटा, तो इसलिए हम भाभी समीना से जो है लेंगे उनके वाला बर्तन बड़े वाला, तो क्योंकि उन्होंने भी शाम को पकानी है और सब लोगों ने जो है अपनी अपनी खैरात पकानी है, सब लोग जो हैं इधर आ जाएंगे और वो जो जो चीज़ पकाएंगे वो भी ले आएंगे, और अब्बू से ख़त्म दिलवाएंगे, उसके बाद दुआएं भी कराएंगे सब के लिए, और उसके बाद अफ्तारी करेंगे। स्पेशल जो है हम इसीलिए आज बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी है, फ्रूट वगैरह है, सारा कुछ है, अलहमदा ले लिया है बड़े वाला, अपने वाला छोटा उनको दे दिया है, अभी चल के जो है हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। चिकन उठा लिया मैडम ने, अब ये धो रही है इसको जी हाँ। लेकिन बड़े बर्तन में धोना चाहिए, इसमें धोऊंगी ना, बहुत सारा पानी डाल के ना हाँ जी। इसको अच्छे तरीके से धोना है बिल्कुल साफ, ठीक है। देखे कैसे धुल रही है, बहुत अच्छे तरीके से है, मुझसे तरीके सीख लिया करो। सीख रही हूँ ना, आप बता रहे हैं मैं सीख रही हूँ। हाँ अच्छे तरीके से इसका ब्लड सारा निकाल देना है, ठीक है। और भी खंबड़े शंबड़े हो ना, वो भी तंदू वगैरह होती हैं जी हाँ। वो भी सारा कुछ ऐसे बिल्कुल साफ कर देना है, वो देखे खंबड़ा था वहाँ, खंबड़ा था ये, हाँ ऐसे बिल्कुल साफ करनी है, सही है, ठीक है। एक एक बॉडी को टूटी के नीचे दे के जी, फिर अलग बर्तन में रखना है, सही है। मिर्चें भी डालेंगे, धनिया भी डालेंगे, चावल भी, चावलों को भिगो कर रख लेते हैं। वो अपने हाथ पे चलाने वाली थी,
ये बाजी ना मिसाला भून रही थी जी। तो उधर से जो है हम तबादला कर कर आए हैं, उनका मिसाला फिर अपने वो बर्तन में डाल दिया था, उनका बर्तन खाली कर लिया था, इसलिए घी लगा पड़ा था, हमने फिर ऐसे ही चढ़ा दिया। आप ये ना कहें कि ये थॉप नहीं धोया था। घी गरम हो चुका है, अब प्याज डाल दिए हैं। बहन भाइयों, वैसे देख भी मंगाई जा सकती है, लेकिन जो हम अपने हाथों से घर में चीज़ बनाते हैं वो अच्छी होती है और म्यार की होती है, और जो हम देगें बनी बनवाई लेते हैं वो जो है उसमें मटेरियल सही नहीं होता, क्योंकि घी जो है वो लोकल वाला डाला जाता है और चावल भी उनमें अच्छी क्वालिटी के नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, और चिकन जितना हम बोलते हैं उतना जो है आर्डर पूरा नहीं डाला जाता। मतलब हम तो उनको कह देते हैं कि एक देग बिरयानी की बनवा के भेज दें, तो जब वो देग आती है घर पहुंचती है तो उसमें जो है काफ़ी चीज़ों की चेंजमेंट होती है और कमी होती है, तो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं देग मंगवाने में, लेकिन चीज़ जो है अच्छी नहीं बनती। इसलिए हम घर में जो चीज़ बनाते हैं, मतलब ये पतीला जो है बड़े वाला, हम ये आज बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारी चीज़ कैसे बनी है, क्योंकि हम जो चीज़ खरीदते हैं वो अपने हाथों से ख़रीद कर लाते हैं। जैसे आप चिकन देख लें, हमने अपने हाथों से ख़रीदा है, इसलिए उससे अच्छी अच्छी चीज़ें पवाई हैं, कि नहीं तो फिर ज़्यादातर जो है पोटा डाल देते हैं और कलेजी वगैरह और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम खुद अपने हाथों से ये चीज़ें बनवा लाते हैं, फिर उसके बाद घर में बनाते हैं। तो होना भी ऐसे ही चाहिए, चाहे आप देग भी बनाएं तो अपने घर में ही बना लें, खुद ही बना लें, नहीं तो कारीगर को बुला के सारा मटेरियल उसको दे के उसे कहें ये सारी बना दें, वो जब बना के जाएगा तो खाने का मज़ा ही आ जाएगा। प्याज हो चुके हैं हल्के ब्राउन, अब इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्ची, ये चली गई है अभी सब्ज़ मिर्ची। अकरम भाई के पास पहुंच चुके हैं, इनसे देखते हैं इनको कि ये क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रहे हो? हम भी बना रहे हैं सब्ज मिर्च वाली बिरयानी। सब्ज मिर्चों वाली बिरयानी? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारी अफ्तारी है, हम जो बिरयानी बना रहे हैं वो हम कहाँ करेंगे? वो भी दे देंगे मस्जिद में, इधर उधर जहाँ भी इफ्तारी हो जाएगी। चलें सही है, आप ये बना लेना, क्योंकि सताई है ना। हाँ। फिर आज सताई को तो आपको पता है कि हर कोई जो है वो बनाता है। हाँ जी। खरात वगैरह छोटी सी। चलें आप ऐसा करें, आप बनाएं, फिर अपने हिस्से का भी उधर ले आना, उधर बैठ के ख़त्म दिलवाएंगे, दुआ करवाएंगे, सही हो गया, फिर उसके बाद अफ्तारी। सही है, सही हो गया, ख़त्म ही दिलवाना है ना, ख़त्म उधर एक जगह पर हो जाएगा, सब भाई एक जगह पर सारा खाना ले आएंगे। सही हो, हम वैसे अपना भी बना रहे हैं, सही, लेकिन आपने भी वहाँ आ जाना है। सही है, सही हो गया, ओके गुड हो गया। बाकी सारा कुछ ओके हो चुका है, पानी उबल रहा है, अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल, तो ये लास्ट स्टेज है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पकड़ लूँ, चले नहीं नहीं ऐसे, अब ये पतीले को आप पकड़ लें, ये गिर भी जाते हैं, आराम से आराम से आराम से। हाँ, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, ये हमने चावल डाल दिए हैं, ये साफ करके ना जी। ये भी डाल लें, और ये पतीले को पकड़ के रखना है, अब इसका बहुत वजन हो चुका है, ये तकरीबन मेरे अंदाज में ना 25-30 किलो का हो चुका है वजन के हिसाब से जी। तो ये गिर ना जाए, नहीं तो सारी हमारी जो कीती करती है ना, अल्लाह माफ करे, सारी खराब हो जाएगी। अल्लाह नहीं तो एक और ये परांदा ले लें, ये सॉरी इसको क्या बोलते हैं, पौना। पौना, ये पौना और कोई ले लें, मैं इधर से पकड़ लेता हूँ, आप इधर से पकड़ लें, के हो जाएगा, अभी पकड़ेंगे, लेकिन अभी देर है। देर क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि जब ये पानी इसका खत्म हो जाएगा ना, हाँ।
तो फिर वो चमचा हलाया नहीं जाएगा। फिर मुझे भी पकड़ना पड़ेगा। हाँ जी चलो सही है, चिकन रेडी होता है। हमने बाल्टियों में पानी डाल, चीनी डाल दिया है, थोड़ा पानी भी डाल दिया है ताकि वो गलती रहे। फिर उसको हम मिक्स करेंगे। बख्तावर भी मेरे साथ है और इधर जो है अभी चटाइयाँ लगा देते हैं, फिर दस्तरखान हम अपना सजा देते हैं, फिर फ्रूट भी काटते रहेंगे और सारा पानी भी बनाते रहेंगे और ये जब तक बन जाएगी, टाइम तक बन जाएगी ना। मतलब आपको ये बताऊं, फिर मस्जिद में देंगे थाल, वो जो पड़ा है ना वो थाल भर के मस्जिद में देंगे, फ्रूट का भी थाल भर के मस्जिद में देंगे और बाल्टी पानी की ठंडे की बना के मीठी वो भी देंगे मस्जिद में। तो ये हम पहले कर लें, मतलब अभी 20 मिनट रहते हों हम सारा सेटअप ओके कर लें, फिर दुआ कराएंगे, उसके बाद टाइम पर पूरे हो जाएंगे। ओके है ना। हमारी बिरयानी जो है हो चुकी है रेडी। अभी हम इसको एक बार और चमचा घुमाएंगे। ये मेरे लिए पौना आ चुका है, इधर से मैं पकड़ लूँगा, उधर से मैडम पकड़ लेगी। बिस्मिल्लाह। पानी सूख चुका है, अब हम इसको दम पे लगा देंगे, फिर देखना मज़ेदार बिरयानी बन जाएगी जी इंशाल्लाह। बस कर छोड़ो, टोटे हो रहे हैं चावल, बस कर छोड़ो। अब सीधे कर लो। धनिया डाल दो, धनिया डाल दो। अभी है लास्ट वाला स्टेज धनिये वाला। ये देखें ये सब बस धनिया, लेकिन ये पीला हो चुका है। वो ना सब्जी वाले ऐसे ही बेच रहे थे जी हाँ। आजकल बड़ी मुश्किल से चीजें मिल रही हैं, पता नहीं ईद की वजह से शॉर्टेज हो रही है जी हाँ। वो मुझे दे पाऊं। ये भिगो कर डालोगी। माशाल्लाह बिरयानी लुक इज वेरी यम्मी टेस्टी। बख्तावर खेल रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, आवड़े हो। हाँ। ये क्या उठाया है? ये मेरे चावल आएगा। इधर रख दें, इधर रख दें। आज हर कोई इधर लेकर आ रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मुखलिस साहब? बेहतरीन। अच्छा भाभी जान आप बैठे हैं, मैं आपको सारे फ्रूट ला कर देता हूँ। ये प्लेटें छुरियाँ रखी हैं, हम जल्दी जल्दी काट लेते हैं, अभी पानी भी बनाना है। सही है, इसलिए तो आए हैं। हाँ ओके हो गया जी, हम दम लगा दिया, ओके हो गए। चलें बिस्मिल्लाह। अब आप भी फ्रूट कटवाएंगे ना? हाँ जी मैं भी फ्रूट कटवाऊंगी और पानी भी बनाएंगे। आ जाएं फिर, इधर बैठ जाएं, इधर हैदर को खा लो। माशाल्लाह फ्रूट जो है काटे जा रहे हैं। फ्रूट बोला है मैंने, भी फ्रूट बोला है। अब ये है सेब और वो है मिलनर वाटर। वाटर मिलनर वाटर नहीं, मेरी तरह से कह दिया करो, ये हिदवाना है ये तरबूज। हाँ जी तो और सिंबल से लोग हैं, कौन से हम यहाँ पर अंग्रेज बैठे हैं। जी हाँ ये शरबूज है, मेहरान जो है अभी बैठा है इसके साथ काटने के लिए। आपने भी काटने हैं? हाँ जी सही सही। तो अभी काटते हैं। हाँ जी माशाल्लाह फ्रूट काट चुके हैं, मक्खियों से बचाने के लिए ये कपड़े के अंदर रख दिए हैं, अभी प्लेटों में डालते हैं, फिर ऐसे सजा देंगे सब, सब की अलग अलग प्लेटें लगा देंगे। तो अभी जो है हम अपने चावलों का बिरयानी का दम उतारेंगे। चलो कौन उतारता है? बाजी उतारेंगी, बाजी बिस्मिल्लाह करेंगी। चलो कार छोड़ो, कार छोड़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हरियाणा में हमने पानी ज्यादा डाल दिया था, इसलिए आप भिगो के रखे थे ना चावल। हाँ जी, फिर ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। जितने चावल थे ना उनसे भी थोड़ा कम डाला है। चलो अल्लाह पाक मंजूर करे। नहीं सही है, जायका बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ खुशबू तो अच्छी है ना, ये थोड़े से हो जाते हैं कच्चे पक्के, ये होता रहता है। नहीं कच्चे नहीं है, ज्यादा गल गए हैं। हाँ पक्के ज्यादा हो गए। और चिमचा भी ये है ना, इसलिए ये तोड़ देता है चावलों को। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। चलें आप पहले जो है ना थाल में डाल दें मस्जिद में देने के लिए, और फिर प्लेटों में डालें, और फ्रूट भी डाल दें थाल में। ये सारी चीज़ें जो हैं हम मस्जिद में फिर देंगे, फिर बाकी इधर जो है सारा सेटअप करें। अभी टाइम होने वाला है, थोड़ी देर है, और उसके बाद जो है काम पूरा भी हो जाए, मतलब टाइम पर दुआ भी करवा लें। ये भी लेके जाना है मस्जिद में नंबरदार, दोनों थाल, वो वाला भी और ये वाला भी। चलो मैं साथ में चावल और पानी भी लेकर आता हूँ, ये गिराने नहीं है। पहुँच जाओगे? हाँ जी। ओके हो गया जी, ये गरम है, गरम है ना। चलें कोई कपड़ा दे दें, ये नीचे रख दें। ये असद साहब अपना पानी की बाल्टी उठाएं जरा मस्जिद में। अशल्ला भी दुआ करवा। बच्चे खैर करवा हाँ दुख से जो खाना परेशान से परेशान से खाना आमीन आमीन मेरा अल्लाह है जैसे कहा अल्लाह आमीन अल्लाह है अल्लाह आमीन 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। माशाल्लाह दुआ जो है हो चुकी है, सब जो है बैठ चुके हैं यहाँ पर, भाभी भी आ गई है, सारा दस्तरखान जो है लग चुका है। अभी मैं पानी इसमें ऐड करती हूँ ठंडा,
बिस्मिल्लाह।